सो हाय गाइस, मैं सुशांत रसाल। आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सो अभी हम देखेंगे कि डीएनए एनाबोलिक मास गेनर सबसे अवेटेड प्रोडक्ट रिव्यू था, जो कि मतलब बहुत महीनों से मेरे कमेंट बॉक्स बहुत भरे पड़े हुए हैं कि डीएनए एनाबोलिक मास गेनर के न्यू पैकिंग पर वीडियो बनाओ। और जो इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी बहुत मिस जाते हैं कि डीएनए एनाबोलिक का प्राइस क्या है, फ्लिपकार्ट पे अलग दिखा रहा है, अमेजोन पे अलग दिखा रहा है, आपका रेट क्या है। सो ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। सो ये इसका अनबॉक्सिंग भी होगा, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आता है, कैसा आता है, पाउडर फॉर्म, प्रोटीन, कार्ब्स, सब भी हम इन डिटेल वीडियो अभी करने वाले। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर पूरा इन डिटेल हो जाएगा। इस वीडियो के बाद डीएनए एनाबोलिक मास गेनर के आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओके। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो आगे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पैकिंग है वो डीएनए एनाबोलिक मास गेनर का 5 kg वाला पैकिंग है, ओके। सो ये पैकिंग न्यू करने का कुछ रीजंस है। देखो, जैसे कि जो हाई डिमांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ही डुप्लीकेसी आती है। मतलब अगर आप मसल ब्लेस के प्रोडक्ट देखोगे तो उनकी डुप्लीकेसी बिल्कुल नहीं है, पर अगर आप ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, जो कि इंडियन ब्रांड नहीं है, वो फॉरेन ब्रांड है, सो उसके अगर डुप्लीकेसी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हाई डिमांड में प्रोडक्ट होता है उसकी ही डुप्लीकेसी होती है। सो वैसे ही डीएनए एनाबोलिक मास गेनर की बहुत डुप्लीकेसी आई थी, क्योंकि ये ऑन डिमांड था, बहुत इसका डिमांड बढ़ गया था मार्केट में, सो उसकी वजह से इसकी डुप्लीकेसी बढ़ गई। सो कंपनी ने क्या किया कि इसका जो पैकिंग है वही चेंज कर दिया, और पैकिंग में आपको यहाँ पर क्यूआर कोड भी आता है, जो कि मैंने अभी निकाल रखा है। सो वो भी आपको वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होता है, और इसके कंटेंट्स वगैरह सारे सेम ही है जैसे पहले वाले में थे, वही सेम कंटेंट है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस पैकिंग आपको न्यू मिलेगी। अभी दूसरा क्वेश्चन था कि फ्लिपकार्ट पे अलग प्राइस है, अमेजोन पे अलग प्राइस है, ओके। सो वो भी क्लियर करूंगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अभी न्यू प्रोडक्ट अभी नहीं सेल हो रहा, जो पुराना वाला है, मतलब वो बकेट वाला जो प्रोडक्ट था डीएनए एनाबोलिक मास गेनर, सो उसका अभी सेलिंग चल रहा है। सो आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको फेक भी मिल सकता है, या फिर ओल्ड एक्सपायरी वाला भी मिल सकता है, ओके। सो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी अभी अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से मिल रहे हैं, सो उसके बारे में थोड़ा सा सिक्योरिटी आप देख लेना। मैं अभी कुरियर से ऑल ओवर इंडिया में अभी शिपिंग कर रहा हूँ, सो मेरे तरफ से ये ओरिजिनल वाला पैकिंग ही जाएगा, न्यू वाला। और उसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि आपको नया प्रोडक्ट आता है और न्यू एक्सपायरी आती है, अगर आप यूज़ भी नहीं करोगे तो भी बहुत दिन आपका ये चल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि डीएनए एनाबोलिक मास गेनर में आपको ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इससे आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं। सो सबसे पहले इसका सर्विंग साइज देखते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि 2 स्कूप, मतलब 50-50 ग्राम्स के 2 स्कूप अगर आप लोगे तो 100 ग्राम्स का आपका एक सर्विंग हो जाएगा। सो उसमें आपको एनर्जी मिलती है 494 कैलोरीज, जिसमें आपको प्रोटीन मिलता है 21 ग्राम, और कार्ब्स जो है आपका 60 ग्राम होता है, और बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब फैट भी इसमें है। सो फैट भी इंक्लूड होना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में सिर्फ प्रोटीन और कार्ब से बॉडी नहीं बनती, सो फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ओवरऑल एक एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट वाला बनता है। अभी भी ये क्लाइंट का है, अभी इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे कि इसमें कौन कौन से अलग अलग, मतलब जो मैंने बोला था कि ये जो 5 kg का बकेट है, या फिर ये 5 kg का जो आपको थैली बोल सकते हैं आप, ये आती है, उसमें आपको 1-1 kg के अलग अलग पीसेस में आपको पैकेट आते हैं, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं अनबॉक्सिंग एकदम ईजी है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप मिलती है, उसको आपको सिर्फ जिप अनजिप करना है, सो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ओके। सो इस टाइप की आपको थैली मिल जाएंगी 1-1 kg की। अभी ये क्लाइंट का है, उससे परमिशन लेके ही हमने ये वीडियो बनाया है, सो अभी इस वीडियो के बाद वो इसको भी लेके जाएगा, ओके। सो 1-1 kg का आपको पैकेट्स मिलता है इसमें, सो आपको जब भी 1-1 यूज़ करना है, जब आप 1 kg खत्म हो जाएगा तभी आप दूसरा ओपन कर सकते हो। सो डीएनए का सबसे मतलब बेस्ट फीचर यही लगा मुझे कि उसमें आपको अलग अलग पैकेट्स मिलते हैं। बाकी गेनर में क्या होता है कि आपको एक ही बकेट मिलता है, उसमें आपको 5 kg की जो है पाउडर मिलती है, सो वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी अगर आप ओपन करके रखोगे तो पाउडर पूरी ख़राब होती है, सो इसमें आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। सो अभी हम देखेंगे कि यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स थे जो कि डाउट्स थे, वो सब कुछ मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। सो मैं दूसरे फ़ोन से देख रहा हूँ कमेंट्स यूट्यूब पे कौन कौन से थे अकॉर्डिंग टू डीएनए मास गेनर, ओके। सबसे मतलब बहुत ही मतलब मुझे वो कमेंट मुझे हाईलाइटेड लगी कि इससे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, मतलब उससे रिगार्डिंग है, मतलब उसमें डेका वगैरह कुछ मिक्स है क्या। ऐसे देखो डेका वगैरह वो सिर्फ इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स में आता है, सो ये पाउडर फॉर्म में है, और इसमें ऐसा कोई भी मिक्सेबिलिटी नहीं की गई है, कोई भी मिक्सेज नहीं है, क्योंकि ये मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GMP सर्टिफाइड भी है। अभी और एक कमेंट देखते हैं कि भाई पेट फूल जाता है क्या इससे। सो बहुत सारे कमेंट्स हैं, पर जो इम्पोर्टेंट्स मुझे लग रहे क्वेश्चंस, तो मैं अभी डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही अभी तक सभी सारे डाउट्स आपके शायद ही कवर कर दिए होंगे, ओके। सो इससे पेट वगैरह फूलता नहीं है,
गाइस देखो, पेट वगैरह फूलना या ना फूलना वो आपकी डाइट पे डिपेंड है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड है और आपके वर्कआउट पे डिपेंड है। ओके, अगर आप वर्कआउट एकदम लो कर रहे हो, मतलब जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रहे, आपके मसल फटिग नहीं हो रहे और फिर भी आप गेनर यूज़ कर रहे हो, वो भी 2 टाइम यूज़ कर रहे हो, 3 टाइम यूज़ कर रहे हो और राइस लोड कर रहे हो या फिर रात में कुछ अलग बाहर का खाना या फिर ऑयली फूड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो 101% अगर आप प्रोटीन भी यूज़ करोगे तब भी आपका पेट जो है आगे आने वाला है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पेट फूलना या ना फूलना इस पे फोकस करने से अच्छा है कि आप अपने डाइट पे फोकस करो और आपका जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसको आप सिस्टमेटिक वे में प्लान करके आप एक्सरसाइज करो। ओके, सो उससे आपका कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगे और डेली आप एक दिन छोड़ के आप एब्स वर्कआउट भी करो, उससे आपको पेट फूलने की जो आपको प्रॉब्लम लग रही है वो भी नहीं होगा। मैं भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ कर चुका हूँ और मुझे अभी तक इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा। बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं मेरे, उनको भी मैंने यूज़ करवाया है, पर मैं उनको जब गेनर प्रोवाइड करता हूँ तो उसके साथ डाइट भी देता हूँ और आपको एक वर्कआउट का एक छोटा प्लान भी देता हूँ कि वो आप अगर फॉलो करोगे तो आपको नाइस रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ओके भाई, मुझे मास गेन करना है, वेट गेन तो मेरा 61 कुछ है। ओके, सो आपको मास गेन करना है और आपका वेट 61 है, सो इसका 5 kg यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप 60 अराउंड हो, तो अगर अंडर 50 होते तो आप 5 kg यूज़ कर सकते थे, 61 ऑलरेडी हो आप, तो इसका आप 3 kg यूज़ करो। आपको सिर्फ दिन में सुबह 50 ग्राम और शाम को रात में सोते वक्त या फिर पोस्ट वर्कआउट 50 ग्राम का एक स्कूप आप ले सकते हो। सो डेली आपका 100 ग्राम्स ऑफ ये गेनर हो जाएगा और आपको 3 kg के हिसाब से आप 27 या 28 डेज तक आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हो। सो उससे आपका अच्छा खासा मास भी गेन हो जाएगा और वेट भी बढ़ जाएगा। ओके, सो 3 kg में लगभग 5 से 6 kg आपका इजीली हो जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा डाइट भी आप फोकस करें और वर्कआउट कर दें। अभी दूसरी कमेंट देखते हैं और क्या है, रिजल्ट दिखा। तो भाई देखो, अभी जो मैं करंट कंडीशन में हूँ, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे देखिए, मैंने वहाँ पर मेरे कुछ फ़ोटोज़ भी हैं वहाँ पर, सबसे पहली वाली फ़ोटो देखिए, मतलब 2021 की शायद, और अभी की फ़ोटो देखिए, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, मैंने करवाई भी है, मैंने खुद पर भी ट्राई किया। सो मुझे लगता नहीं कि इससे और रिज़ल्ट कोई दिखाने की ज़रूरत है। ओके, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का हो गया कि आप अपने रिस्क पे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय करें, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट आपको देता हूँ वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, वहाँ से ही आपको मैं देता हूँ। ओके, सो वो डाउट क्लियर हो गया। और फेक और रियल की भी बात मैंने करी थी क्योंकि ये जो अभी पैकिंग आ रहा है वो रियल पैकिंग आ रहा है और उससे भी एक सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको स्टिकर होना चाहिए, स्टिकर नहीं होगा तो वो भी फेक हो सकता है क्योंकि डुप्लीकेसी जो डुप्लीकेट मास्टर है वो कुछ भी कर सकता है, आजकल तो कुछ भी एडिट हो जाता है। सो आप अपने रिस्क पे आप ले सकते हो, जिनको मेरे से चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो और रेट भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। ब्रो कहाँ से बाय करें, 1 kg का क्या प्राइस होगा? देखिए, 1 kg आप यूज़ मतलब मैं तो बोलूँगा कि 1 kg आप यूज़ भी मत करो क्योंकि 1 kg से मैक्सिमम 7 से 8 दिन आपके जाएंगे। सो 7 से 8 दिन में आपका मसल तो गेन नहीं होगा, मास गेन नहीं होगा, थोड़ा सा कहाँ पे पंप आ जाएगा वो भी चला जाएगा। ओके, सो मिनिमम 3 kg से आप स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे नहीं कि कुछ निगेटिव कमेंट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं कि बहुत सारे मतलब व्यूज़ भी DNA एनाबोलिक मास गेनर को बहुत अच्छे खासे गए और कमेंट्स भी बहुत मतलब बहुत भर भर के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। इसी रीजन से मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो बनाई। ओके, और कमेंट देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स है गाइज, आप भी देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं शो कर रहा हूँ। ब्लैक वाले का रिजल्ट कैसा है? सो DNA एनाबोलिक मास गेनर ये अलग है, ब्लैक वाला अलग है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये अभी जो आपके सामने जो पैकिंग दिख रहा है वो चॉकलेट का है, यही सेम पैकिंग आप यूज़ कीजिए। दूसरा भी है तो उसमें थोड़ा सा प्रोटीन एंड कार्ब्स का रेशो थोड़ा सा मैनेज किया, सो उससे आपको रिजल्ट थोड़े से कम आएंगे पर आपको मसल गेन कराएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। सो इससे आपको रिजल्ट भी देखेंगे और आप मोटिवेटेड भी रहोगे कि आपको कुछ मतलब रिजल्ट भी आ रहे हैं। ओके, फेक होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करें? सो यहाँ पर आपको QR भी मिलता है, अभी मैंने वो QR निकाल दिया है, सो आपको वहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो या फिर आपको एक कोड आता है तो कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। सो एक मराठीमध्ये कमेंट आली होती, सो मी मराठीमध्येच आन्सर करेन की हे संपल्यानंतर बंद केलं तर परत कमी होईल का वेट? ओके, सो ह्या क्वेश्चनचा आन्सर मला खूप डीपली द्यायचा आहे। बघा, जर तुम्ही रोज 3 ते 4 चपाती खात असाल आणि रोज खाताय, तुम्ही 6 महिने झाले तुम्ही 3 ते 4 चपाती खाताय, एक राईस खाताय, डेली तुमचं रुटीन आहे, काही जिम नाही, काही नाही, आणि अचानक जर तुम्ही आजारी पडताय आणि तुम्हाला तुम्ही रोज 4 चपात्या खात होता, राईस खात होता, ते सर्व बंद करून तुम्ही आठवडाभर काहीच खात नाही, म्हणजे फक्त एकच चपाती खाताय, सो तुम्हीच विचार करा की तुमचं वजन कमी होईल, तुम्ही बारीक दिसाल की नाही दिसाल। सो हाच विचार करा
कि जेव्हा तुम्ही काहीतरी खाताय सो त्याचे तुम्हाला रिझल्ट मिळतात, ते जेव्हा तुम्ही बंद करताय तेव्हा तुम्हाला ऑटोमॅटिकली त्याचे रिझल्ट सुद्धा कमी होणार. सो तुम्ही दोन टाइम जेवत असला तर त्याचा एक टाइम केला तर ऑब्व्हियसली तुमचं वेट कमी होणारच आहे. सेम आहे, याच्यात सुद्धा कॅलरीज आहेत, तुमच्या चपातीमध्ये भातमध्ये सुद्धा जी भाजी आहे त्याच्यात सुद्धा कॅलरीज आहेत. सो कॅलरीजचा गेम आहे, तुमचे कॅलरीज जेवढे जास्त तेवढं तुमच्या मसलला साईज तुमच्या मासमध्ये म्हणजे मास तेवढा तुमचा भरीव असेल, आणि जर जेवढे तुमचे कॅलरीज कमी तेवढं तुमचं कमी मास गेन असेल. ओके, सो जसं की मी आधी 43 होतो सो तेव्हा मी खूप कमी खायचो. सो आता माझं नॉर्मल रुटीनच एवढं आहे की माझे कॅलरीज 2 ते 3 हजारच्या आसपास जातात. सो मी वेल मेंटेन राहतो 75 अराउंड. सो जर समजा मी अचानक आठवडाभर जेवलोच नाही, म्हणजे सप्लिमेंट तर यूज सध्या तरी नाही करत आहे, सो जर समजा जर मी जेवलोच नाही तर मी ऑब्व्हियसली 75 वरून 73 पर्यंत नक्कीच येणार. ऑब्व्हियसली हे नॅचरल आहे. सो हे समजून घ्या की गेनरने असं काय होत नाही किंवा गेनर्स बंद केल्यामुळे असं काय होत नाही. ओव्हरऑल तुमच्या कॅलरीजचा गेम आहे, सो कॅलरीज काउंट इम्पॉर्टंट आहे. सो कॅलरीजला तुम्ही काउंट करत जा आणि तशा प्रकारे जर तुमचे ऑलरेडी 2000 कॅलरीज होत असतील तर याचा तुम्ही जरी एक सर्विंग जरी घेतलात तरी 2500 पर्यंत जाईल आणि चांगल्या प्रकारे एक वेट गेन होऊ शकतो. सो ते डोक्यातून काढून टाका की हे बंद केल्यानंतर कमी होईल. सो हे जेव्हा बंद कराल तेव्हा तुम्ही डाएट वाढवा, कॅलरीज मॅच करा. 2500 असतील ना, जर तुमचे 2000 कॅलरीज नॉर्मल होत्यात आणि एक स्कूप टाकल्यानंतर तुमच्या 2500 जर कॅलरीज होत असतील तर आणि अचानक बंद झाला तुमचा गेनर, तर 2500 मॅच करण्यासाठी दुसरा फूड वाढवा, तुमचा रिझल्ट अजिबात कमी होणार नाही. सो हा सगळा गेम कॅलरीजचा आहे, हेच लक्षात ठेवा. गेनर इज अ पार्ट ऑफ एक म्हणजे सपोर्टिव्ह आहे, ह्याच्याने आपली बॉडी होत नाही, हे आपल्याला मदत करतं बॉडी होण्यासाठी. ओके, सो हा क्लिअर झाला. सो ह्याचा आन्सर मराठीमध्येच केलं आहे मी, आणि चांगलं वाटलं की मराठीमध्ये सुद्धा आपली माणसं आहेत जी कमेंट्स करतायत. ओके, और एक लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद में मतलब सारे जो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स थे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो सारे हो चुके हैं. अभी मैं कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगा. सो जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन था वो अभी एंड कर रहा हूँ. एक लास्ट क्वेश्चन, रिसर्च के अकॉर्डिंग मास गेनर और वेट गेनर इज़ टोटली बैड फॉर हेल्थ. देखो, मास गेनर में वही जो चीज़ें अभी बोला कि कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन होता है. सो मास गेनर एंड वेट गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो अपना पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल चॉइस है. मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका अगर वेट अंडरवेट है मतलब 45-50 सो आप मास गेनर यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको कार्ब्स की ज़रूरत है आपके मसल में या फिर आपके बॉडी में कार्ब्स जाना ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी थोड़ी सी भरी हुई लगेगी. सो टोटली बैड फॉर हेल्थ वो अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना द वे यू थिंक, बट मुझे ऐसा नहीं लगता और साइंटिफिकली प्रूवन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. अगर साइंटिफिकली प्रूवन होता कि टोटली मास गेनर एंड वेट गेनर इज मतलब बैड फॉर हेल्थ तो ये प्रोडक्ट कभी भी लॉन्च नहीं होते. ओके, सो आप भी देख सकते हो कि मसल ब्लेज या फिर एक अवतार न्यूट्रिशन जो कि वेल रेप्यूटेड ब्रांड है वो भी प्रोमोट कर रहे हैं मास गेनर और वेट गेनर को. सो वो अगर प्रोमोट कर रहे हैं तो आपकी जो रिसर्च है वो शायद कहीं पर थोड़ी सी वीक है और आपको थोड़ा और एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि मास गेनर एंड वेट गेनर इज़ टोटली बैड फॉर हेल्थ और नॉट. ओके, सो थैंक यू सो मच. कमेंट का जो क्वेश्चन आंसर था सेशन था वो खत्म हो गया. अभी मैं लास्ट आपका जो यूज़ है और उसका जो प्राइसिंग है वो अभी मैं उस पर आऊँगा. ओके, सो इसका यूज़ कैसे करना है देखिए, अगर आपका वेट 50 से अंडर है सो आपको 150 ग्राम आपको यूज़ करना है इसका. सुबह में आपको इसके 2 स्कूप यूज़ करना है या फिर आप 1.5 स्कूप यूज़ कर सकते हो. तो पोस्ट वर्कआउट में आप इसके 1.5 स्कूप यूज़ कर सकते हो. ओके, सो सुबह में 75 ग्राम्स और रात में 75 ग्राम्स. ओके, सो दोनों टाइम अगर आप मिल के साथ लोगे एंड ओट्स का शेक बना के तो आपको बहुत ही अच्छे खासे मतलब गारंटेड रिजल्ट आपको मिल जाएंगे. और अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाओ, मुझे DM करो. ओके, सो और इसका अलग बोलता हूँ कि कुछ लोग मसल गेन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसका आप एक ही स्कूप आप यूज़ कीजिए. आपका जो शेक है या फिर मॉर्निंग शेक है या फिर आपका मॉर्निंग डाइट है उसमें आप इसका एक ही स्कूप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा खासा आपका मसल गेन हो जाएगा. अभी इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं. अभी प्राइसिंग जो वीडियो अभी बन रही है उस हिसाब से मतलब ये 3000 तक आपको मिल जाता है, विद डिलीवरी भी मिल जाता है. और अभी इसके बाद वीडियो के बाद शायद इसका डिमांड बढ़ जाए, 2-3 महीने के बाद प्राइसिंग बढ़ भी सकती है. सो अभी के प्राइसिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि 3000 तक आपको विद डिलीवरी आपको एंड विद शेकर आपको ये मिल जाएगा. ओके, सो डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, मुझे आप DM कर सकते हो. अभी मैं स्टॉक में DNA ही रख रहा हूँ क्योंकि जिसके रिजल्ट है वही मैं आपको सेल करने के लिए पसंद करता हूँ, क्योंकि बिना रिजल्ट वाले प्रोडक्ट रखने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो मेरे पास कस्टमर भी नहीं आएगा. सो थैंक यू सो मच. जो DNA एनाबॉलिक मास गेनर पे जो वीडियो थी वो शायद मैंने आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर दिए हैं. अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा. एंड इंस्टा मेरा एक्टिव होता है,
तो वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।